आप पिछले 40 सालों से डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस में हैं और सेलुलाइट से डिजिटल के ज़माने में आ गए हैं लगातार, तो एक तो ये कि कैसे इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने इस पूरे डॉक्यूमेंट्री की प्रैक्टिस को कैसे फ़ायदा पहुंचाया है और क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इस नए इस बून को, इस फ़ायदे को एक सार्थक दिशा में ले जा पाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग साउंड आ रहा है उसमें अच्छी तरह? नहीं, फ़ायदा हुआ है इस मायने में कि टेक्नोलॉजी यानी बहुत बदलाव आया है और काफ़ी स्प्रेड हो गई है, तो यानी आजकल तो लोग अपने सेलफोन से भी फिल्म बना सकते हैं और बनाते भी हैं, और डिजिटल के कारण सब कुछ सस्ता हो गया, अपने कंप्यूटर पे एडिटिंग कर सकते हैं जो पहले हम नहीं कर पाते थे घर पे, तो इस तरह से काफ़ी सुविधा हुई है। मगर इसका एक यानी इसका मतलब यह है कि लाखों फिल्में बन रही हैं, लाखों फिल्में बन रही हैं, तो हर फिल्म के लिए जगह नहीं होती दिखाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर डॉक्यूमेंट्री के साथ आज है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो कोई उसमें बदलाव ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हुआ है क्योंकि फिल्म सोसाइटीज़ या आपके जैसे ग्रुप्स वगैरह अपने देश में कई जगह हैं, हम भी दिखाते हैं महीने में 2-3 बार बम्बई में फिल्में, तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव आया है। मगर डिस्ट्रीब्यूशन का मेन प्रॉब्लम है कि फिल्में बहुत बनती हैं मगर दिखाने वाले बहुत कम। और दूसरा ये कि जो आज सूर्य शंकर दास ने भी अपने कीनोट एड्रेस में कहा, फंडिंग के बारे में बात कही, कि अभी बहुत सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म से डरते थे वो भी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, फेस्टिवल भी कर रहे हैं, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस में ये जो पूरा फंडिंग का मसला है ये कैसे भटकाता है, कैसे सही ले जाता है, इसके बारे में आप क्या? नहीं, ये भटकाता है ज़रूर मुझे लगता है, क्योंकि एक तो ज़्यादातर ये फंडिंग फॉरेन फंडिंग यानी डॉक्यूमेंट्री में जो बड़ा पैसा आया है वो उसके लिए पिचिंग सेशंस कराते हैं लोग, जो कमिश्निंग एडिटर्स जिसको कहते हैं टीवी वाले, यानी बाहर की टीवी है, हमारे देश की नहीं है, और ये इंग्लैंड या यूरोप में बैठे हुए लोग जो देखना चाहते हैं वो करवा लेते हैं लोगों से, हमारे जैसे लोगों से, यानी वो पिचिंग में 5 मिनट में अपनी आइडिया उनको बताओ तो वो रिजेक्ट करें या आपको दे दें, मगर इसका मतलब है कि उसकी एस्थेटिक्स को क्या कहेंगे, उसके मतलब ये? हाँ, सौंदर्य बोध, चाहे वो उसकी पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो या उसका फॉर्म हो, हर चीज़ बाहर डिसाइड हो रही है, तो इसके कारण स्पेशली जो नई पीढ़ी है उनको इस तरह की मुझे लगता है कि एक तरह का लालच है कि बड़ा बजट यहाँ मिलेगा तो हम फिल्म इसे, तो ऐसी फिल्में आजकल फिल्में ऐसी भी बन रही हैं जिसमें फिल्म मेकर का कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन ना हो, मगर आइडिया उनको मिल गई है या किसी ने बता दी है या उसके लिए पैसे मिल गए हैं तो वो बना लिया उन्होंने फिल्म, तो मुझे लगता है ये खतरा ज़रूर है, क्योंकि मेरे ज़माने में फिल्म बनाना काफ़ी कठिन काम हुआ करता था, हमें अपने दोस्तों से अपने परिवार से पैसा जुटा के कहीं ना कहीं से हम कुछ ला के सामान तैयार करके फिर बनाते थे, तो इससे ये फ़ायदा रहता था कि सिर्फ जो बहुत मोटिवेटेड लोग थे जिनके अंदर से बात निकल रही थी वो रोकी नहीं जा सकती थी, ऐसे लोग फिल्म बनाते थे, यानी अंदर से वो एक्सप्रेशन के लिए ढूंढते थे, और तो ये आज मैं कम देखता हूँ, क्योंकि आज कभी कभी दिखाई देता है, मगर बहुत बार ऐसे लगता है कि फिल्म बहुत टेक्निकली बहुत अच्छी है मगर उसके अंदर उनको कहना क्या चाहते हैं ये इससे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है।
एक बात ये बताइए, जैसे कि आपकी खुद पैसा दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी आपने हमेशा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म को ही तरजीह दी है, लेकिन आपने जब एक शॉर्ट फिल्म बनाई 5 मिनट वाली, जिसमें आपने किशोर कुमार के गाने को इस्तेमाल किया, तो एक बॉलीवुड का जो पॉपुलरिटी वाला जो स्ट्रक्चर था, जो आपने फॉर पीस जो फिल्म बनाई वो आपके दिमाग में था और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको कम्युनिकेट किया। दूसरी तौर पे बॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री फॉर्म को फीचर वाले उसमें डॉक्यूमेंट्री फॉर्म को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ऐसे समय पर जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है वो क्या कुछ नए तरह के फॉर्म वो तलाशेगा? कुछ आपको लगता है कुछ फिल्मकारों से, नए फिल्मकारों से ऐसी उम्मीद है, कुछ नए तरह के फॉर्म तलाश रहे हैं ताकि हम ज़्यादा हमारी रीच बने, क्योंकि हमारा पूरा सिनेमा तो नैरेटिव से घिरा हुआ है जो पूरा भारतीय प्रदेश है। तो मुझे, मैं फॉर्म के बारे में सोचता नहीं हूँ, फॉर्म अपने आप आ जाता है फिल्म के अंदर। जब आपको कुछ कहना है तो आप कुछ तरीका निकालोगे उसको कहने के लिए। तो फॉर्म के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने से बहुत थियोरेटिकल मामला हो जाता है। मैं तो कम से कम इसको नहीं चाहता अपने फिल्मों में, मगर फॉर्म ज़रूर, मेरे फिल्मों में फॉर्म ज़रूर है, मगर वो फॉर्म काफ़ी, यानी एक कहूँगा यूटिलिटेरियन फॉर्म है, यानी सबसे आसान तरीका मैं ढूंढता हूँ कि इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि नए फॉर्म की यानी ये कहना कि ये पुराना फॉर्म है, ये नया फॉर्म है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा बदलाव आया है। यानी जो सिर्फ फॉर्म की खोज में हैं, मुझे लगता है कि मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं मुझे काफ़ी बोरिंग लगती हैं, सिर्फ फॉर्म के खोज में, तलाश में जो फिल्में बनती हैं। मतलब उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्शक आपका बढ़े? हाँ, दर्शक नहीं, नहीं लगता है कि वो यही तरीका कि आप दर्शकों तक जाएं। हाँ, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई फॉर्मूला बना लेना चाहिए कि ये फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सभी लोग इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाएं, क्योंकि हर एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हो उसका अपना तरीका होगा। एक चीज़ ये कि आप तो 70s से फिल्म सोसाइटी मूवमेंट, फिल्म मेकिंग, फिल्म दिखाने के उसमें संलग्न रहे हैं, बहुत गहरे जुड़े रहे हैं, और आपने यूनिवर्सिटीज फिल्म सोसाइटी का दौर भी देखा है। अभी जो फिल्म फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हो रहा है, और ख़ास तौर पे सिनेमा रेजिस्टेंस से भी आपका एक लंबा एसोसिएशन रहा है, 3-4 बार आप आए हैं, और आपकी फिल्म तो हम लोग पहले ही फिल्म फेस्टिवल से दिखाते रहे हैं गोरखपुर से। तो एक तरफ तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जैसे मैजिक लैंटर्न वगैरह हैं जो शुद्ध रूप से फोर्ट की फंडिंग पर हैं, और एक तरफ तो बहुत सारे छोटे फिल्म फेस्टिवल्स हैं। तो इस पूरे फिल्म सोसाइटी, हिंदुस्तान के फिल्म सोसाइटी मूवमेंट की जर्नी में ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप किस तरीके से इनका मूल्यांकन करते हैं? यानी कुछ जो आप कह रहे हैं कि छोटे फेस्टिवल्स, जैसे विबज्योर एक छोटा फेस्टिवल है, मगर बहुत अच्छा फेस्टिवल है मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, यानी सिर्फ फिल्म नहीं दिखाते, उसमें म्यूज़िक का भी की भी जगह है, उसमें पॉलिटिक्स की भी जगह है, और मुझे लगता है ये एक्टिविस्ट लोगों के साथ मिलकर उन्होंने फेस्टिवल बनाया है, तो जैसे आप भी करते हो, तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी रुचि ज़्यादा है। और जो फंडेड फेस्टिवल्स हैं उसमें मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं, अभी कभी मौका मिला तो वहाँ पे भी जाता हूँ, मगर मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना ज़्यादा नहीं। अभी आपने एक लंबे अंतराल के बाद जय भीम कॉमरेड बनाई, और उसमें बहुत सारी पुरानी फिल्मों के भी चीज़ें दिखती हैं, बम्बे हमारा शहर भी दिखता है, तमाम फिल्में दिखती हैं। अभी क्या, किस नई थीम पर काम हो रहा है? नहीं, अभी मैं फिल्म के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं एक्चुअली 2 साल के लिए मैंने मौन व्रत नहीं लिया है, मगर फिल्म नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं, मेरा काम हमेशा, मैं ये, मैंने अपने आप के लिए ये इम्तिहान रखा कि एक फिल्म बनाना ही काफ़ी नहीं है, फिल्म दिखाना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब 14 साल एक फिल्म बनाने में लगे हैं, तो कम से कम 2-3 साल मैं उसको दिखाऊंगा, और यही काम मैं कर रहा हूँ।
ऑल इंडिया लेवल पे दिखा रहा हूँ और फिल्म से जुड़ी हुई बातें रियल लाइफ की वो भी चल रही हैं. जैसे आप जानते हैं कि हमारे फिल्म में जो कबीर कला मंच के लोग थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे और तब मैंने फिल्म इसलिए मैंने वहाँ पे फिल्म ख़त्म करके दिखाना शुरू किया क्योंकि लोग उनके बारे में जाने ये लोग कौन हैं जिनको नक्सलवादी कहा गया है मगर ये है कौन लोग. ये महाराष्ट्र के दलित गायक और कवि लोग हैं और उनके ऊपर अन्याय हुआ है मगर वो अंडरग्राउंड थे. जब ये फिल्म दिखाई जाने लगी बड़े पैमाने पे और लोग उसके बारे में लिखने लगे और फिर हमने एक डिफेंस कमेटी भी बनाई उनके लिए तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आया और वो अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड हो गए. ओवरग्राउंड होने का तरीका एक ही था कि जेल में चले जाओ क्योंकि अरेस्ट हो गए. उन्होंने सत्याग्रह किया गाने गाए और अरेस्ट हो गए. तो उनमें से अभी भी लोग तीन लोग जेल में हैं, तीन को बेल मिला है. तो ये काम भी हमारा चल रहा है डिफेंस कमेटी का काम और लीगल काम. एक आखिरी सवाल आज के लिए कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं जो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आनंद पटवर्धन कैसे कर पाते हैं ये सब चीज़ें, इंडिपेंडेंट कैसे बने रहते हैं और लगातार फिल्में कैसे बना पाते हैं, उसका क्या तरीका क्या है, राज क्या है? नहीं, इसका राज यानी ये है कि मैं कभी भी अपने आप को सेंसर नहीं करता हूँ. यानी एक सेंसरशिप तो सरकारी सेंसरशिप होती है और दूसरी सेंसरशिप होती है कि पैसा नहीं है इसलिए हम फिल्म नहीं बनाएंगे. मगर हम चाहे जैसे जितने भी पैसे जोड़ पाएँ, जैसा भी कैमरा मिले, चाहे जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हमने हाई एट पे फिल्म बनाई और हाई एट से फिर बाद में डीवी पे फिल्में बनाई. अपनी जो फिल्में डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में है उन वो जब पैसे आते हैं तो उससे हम अगला फिल्म बना पाते हैं. तो मैंने उसका कोई राज नहीं है, ये एक ही है कि अगर तुम्हारी इच्छा है कुछ कहने की तो आप अपने आप तरीका निकालो. और एक इंडिपेंडेंट फिल्मों का एक एक दर्शक वर्ग है जो खरीदता है और जो सस्टेन करता है. हाँ, सिर्फ सारी दुनिया में सारी दुनिया में डीवीडी सिर्फ यहाँ पे हम सस्ता बेचते हैं मगर अमेरिका जैसे कॉलेजेस में हम अच्छे पैसे में मिलते हैं डॉक्यूमेंट डीवीडी बेच के. तो कुछ भी जुगाड़ लगा के हम संभाल पाते हैं. शुक्रिया.